मैं जय प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में और एक्सरसाइज है 1.2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम 1.2 पे पहुंचते हैं जिसमें हमें क्या है आवाज गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और एक जो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा है सिर्फ इसका हमें गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो जब ये तीनों सवाल आपके हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड ढेरों सवाल 10 से 15 सवाल आपके हो जाएंगे। सिर्फ एक बार बताऊंगा इन तीनों को और आपके 10 से 15 सवाल यूं चुटकियों में बोलते हैं ऐसे ऐसे सॉल्व होंगे आपके। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि आवाज गुणनखंड किस प्रकार से इनके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यही संख्या लेते हैं 3825 और इसी प्रकार के काफी सवाल हैं आपकी एक्सरसाइज में तो उनको कीजिएगा और फिर नहीं आते तो मैं तो हूं ही आपके लिए। तो जब इसका भाग देना हो तो ध्यान करिएगा जब लास्ट में पास हो तो 3 से ऑब्वियसली मोस्टली केसेस में चला जाता है। तो 3 से यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 6 18 तीसरा 21 और 3 5 15 कुछ इस प्रकार से फिर दीजिए 3 का तो 3 4 12 3 दूनी 6 और 3 5 15 लेकिन अब जाएगा 5 का भाई कितने का जाएगा 5 का तो 5 8 40 और 5 25 फिर 5 का दीजिए तो कितने का जाएगा 5 एकम 5 और 25 के 35 5 7 35 और 17 एकम 17 तो आपकी ये गुणनखंड निकल चुके हैं। तो 3825 के आवाज गुणनखंड क्या है 3 × 3 × 5 × 5 × 7 तो इसको हम और अच्छे रूप में लिखना चाहे तो 3 × 5 × 7 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड सवाल आप कीजिएगा और नहीं आते तो आप मुझको बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। दो सवाल हो गए नहीं तो देखिएगा ये जो सवाल है क्या इनकी हमें गुणनखंड विधि ही अपनानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो थी वो हम पिछले में अपना चुके हैं एचसीएफ के लिए। यहाँ पे हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ तो इसके लिए सबसे पहले हम सवाल लेते हैं अपना पहले नंबर का। तो पहले नंबर के सवाल में 3, 3 और 6 तो इसका भाई कीजिए तो कितने बार जाएगा 2 × 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16 फिर दीजिए तो 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8 फिर दीजिए तो 2 × 8 और 2 × 2 = 4 फिर कीजिए तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2 अब जाएगा 3 × 3 = 21 और 7 × 7 कुछ इस प्रकार से ये निकल आए हैं। अब हम चंगन की बात करेंगे जब हम चंगन की बात करेंगे तो ये भी किससे विभाजित रहेगा 2 से क्योंकि इसके अंत में क्या है 4 तो 2 × 4 और 2 × 7 = 14 लेकिन अब 7 आ चुके हैं तो ये कितने से जाएगा 3 से तो 3 × 9 = 27 और फिर से दीजिए 3 × 9 और 3 × 3 कुछ इस प्रकार से चला गया कि नहीं चला गया। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके गुणनखंड की तो बड़े सिंपल से हैं कि 3, 3, 6 के क्या निकले हैं देखो 2 कितने बार है 1, 2, 3 और 4 तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे 4 अब हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है 3 एक बार है तो 3 लिख दिया और 7 एक बार है तो 7 लिख दिया। अब हम बात करेंगे चंगन के गुणनखंड की तो चंगन की कुछ इस प्रकार निकलेगी इसी प्रकार ना 2 लिखे हैं तो 2 लिख दिया भाई 3 कितने बार है 3 बार है तो 3 की पावर कितना हो गया 3 तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे LCM की। तो LCM में क्या है लोएस्ट कॉमन फैक्टर पहले कॉमन देखना होता है फिर जो कुछ बचा रहता है सबको फेंक दो और फेंक दो तो आ गया अपना LCM जैसे 2 है तो हमने 2 का कॉमन क्या है इसमें सिर्फ 2 और इसमें देखा सिर्फ 3 अब बचा क्या है भाई 2 की पावर 1 तो कॉमन ले ली बची कितनी 3 तो 3 भाई यहां पे लिख दिए 3 की पावर 3 है कॉमन 1 लिया तो 3 की पावर 2 ही लिखेंगे या हम सीधा कह सकते हैं जो भी नंबर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है जैसे 2 की पावर 4 है तो सीधा 2 की पावर 4 लिखो 2 लिखेंगे आ सकता है 3 बार 3 है 3 लिखो हो गया अब बचा क्या है 7 तो 7 हमने यहां पे लिख दिया। तो अब इनका मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो 2 की पावर 4 हो गए और 3 की पावर 3 हो गए मल्टीप्लाई 7 अब ये तो आप आसानी से कर लेंगे इसमें मेरे को कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि तो मैं बता दूं इनको तो आप बताइएगा कितना आता नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लूंगा कुछ आएगा आपका 3024 कितना आ जाएगा 3024 लेकिन आपको गुणा करना है समझिएगा आपको सीखना है। यहाँ पे एचसीएम हो गया अब हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में देखा जाता है कॉमन तो कॉमन क्या है देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है मतलब 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 3 यहाँ पे 4 है ना तो 2 कॉमन आ गया और 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 कॉमन है तो भैया 3 मान लेंगे तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो कितना आएगा 6 लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा 3024। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपके लिए एक सवाल और मैं लेके आया हूं इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे इस दूसरे नंबर के सवाल की तरफ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको रेज कर देता हूं तो समझिएगा दूसरे नंबर का सवाल तो है क्या 17 23
और 29। तो अगर आप समझदार हैं, और हैं ना सभी समझदार, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य। और अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जो किससे विभाजित हो, खुद से, या तक एक से। तो एक का क्या करना है हमें, तो 17 किससे विभाजित होगी, 17 से, तो 17 एकम 17। और अगर बात करें देश की, तो भैया 23 भी एक से विभाजित होगी, तब 17 हो गया कि नहीं हो गया। और 29 भी 29 से ही विभाजित होगी, या फिर एक से विभाजित, एक करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमने सीधे उसी नंबर से लिख लिया। तो अगर हम इनकी एलसीएम की बात की जाए, तो पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 का कितना आया 17, 23 का कितना आया 23, और 29 का कितना आया 29, और मल्टीप्लाई में 1 1 मान लीजिए। तो अगर इनकी एलसीएम की बात की जाए, तो एलसीएम में क्या भैया, सब कुछ लेके पटक दो यहाँ पे, तो 17 23 और मल्टीप्लाई 29, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात कर लें, तो भैया कॉमन का है 1, तो इनका कॉमन क्या आ जाएगा 1, मतलब एचसीएफ इनका 1 आने वाला है। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें, तो कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो ये अपना कितना हो जाएगा 1139, कितना हो जाएगा 1139। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सॉरी 3 1 1 3 3 9, कुछ ऐसा आने वाला है, तो आप अब इस प्रकार के सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बताइएगा। तो सभी सवाल सॉल्व कर लेना है, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और 1.2 का ही कुछ एक दो प्रकार और बचे हैं, तो एक प्रकार को मैं अगली वीडियो में, और एक और प्रकार को अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं होगा और आप आसानी से सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।